हाँ कोई नहीं आयो थोड़ो कश जय माता दी जय डुग्गर जय डुग्गर जय डुग्गर जय डुग्गर पाकिस्तान के नहीं मिले थे इसको अस नहीं पाया फिर अस हिंदुस्तान नहीं और हिंदुस्तान का झंडा शायद बीजेपी ने 7 साल लिखा या 4.5 साल पिछले लिखा असें लोकें सारी जिंदगी हिंदुस्तान के लोकें जम्मू के स्पेशली लोकें तिरंगे झंडे की चुकी हमेशा चल गई मैं आराम है झंडा चुकने असें आखिया कि तुसें अज हिंदुस्तान के जोड़िया दो भगवान आए थे दो बंदे आ रहे अजकल एक चीफ चुनिंग मिनिस्टर एम ओ एस 15-16 पेमेंटा गरीब लोगों देने वाली ने मनरेगा सारी पचंद चक्कर मारे इवन के आई ए वाई ने मकान इन्हें स्कीम बदली उड़ी उसका नाम रखा पीएम भाई प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा गांधी का नाम कटिए पीएम भाई रखिया आई हो ना कटोया लेकिन उस स्कीम की पीएम भाई च पाया नहीं जिदा मकान 2-3 इंस्टॉलमेंट ले चुके था उस मकान च छतने का पाने वाला खाते नहीं रहा मैं कोई इंदिरा आवास योजना मकान भाई साहब तुस मोदी लिख लो यार लोगों के मकान की नहीं मोदी बन देते लिख लो लोगों के मतलब है थोड़े ना कने ओ ना कने या थोड़े ना कने स्कीम बदली उस स्कीम की एडजस्ट करना कोई जो अगली स्कीम ची आज तक रुपये दे 100-100 लाख रुपये दे प्रोजेक्ट बनी है पहले बारी जिसे पहले बारी बैक टू मिले होया ते दूसरे दिन दोबारा आया बैक टू मिले आज आए नहीं करना बैक टू मिले सारे पैसे मुझे आदिया सुनो सही सारे लोग भी थमोई गए फिर थमोए उन्हें 10-10 लाख रुपये अनाउंस करिए लिखो तो 10-10 लाख रुपये दिता तो काम शुरू कर दियो कई सरपंच काम शुरू करी हो थोड़े से सारे से देवदारी दी पमैश करो शुरू ही नहीं है कि ए बिचोर पेड़ इनकी कटो ले और देश सारी क्लाइमेट का सत्यानाश सारे प्रदूषण ही कहां करते हैं ये सारे मोनूमेंट के पेड़ ने पुराने और कटोने की साजिश फिर शुरू आ गई फिर दुआ नंबर गल सुनो मेरी इन्हें गलाया कि जनाब जो सरकारी जमीन की फाइलें बनी है कई रोशनी की कई फाइलें रोशनी च रोशनी हो चुकी थी उन्हें मोर देन 95-98% आर पर 4 महीने का साल ये रोशनी सारी दुनिया गरीब है जिस गरीब की जमीन है उनके इंतकाल खत्म
क्या दादागिरी शुरू हुई थी, इसके लिए मैं तो सही जानना चाहना थोड़े कहने जिस किस्म दाइतियां और जुर्म वाले इन्हें वाला जिन्हें एक ऊंट से ऊंटे का मालिक दो याद है सियाला हा सर्दियां हा सर्दी च फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लीमेंट उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी व ऑनरेबल फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर व फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय चौधरी लाल सिंह जी, हमारी चेयरमैन माननीय चौधरी लाल सिंह जी, उनके साथ सेंट्रल पदाधिकारी डॉक्टर हरिदत्त शिशु जी जो के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर एच आर शर्मा जी मेंबर वर्किंग बी एस जम्बाल साहब प्रेसिडेंट लीगल सेल डोगरा स्वाभिमान संगठन और जहां पर मौजूद हमारे आर के वर्मा साहब, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन की ही बात होनी चाहिए। जब कोई दूसरे ओकेजन आएंगे तो हम उसके बारे में भी बात शुरू करेंगे। तो सर, अपनी बात रखने से पहले हम आपके आशीर्वाद से, आपकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के दिशा निर्देश से, जैसे कि पहले तो किसी को बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी समझने में थोड़ी सी कहीं पर कठिनाई आई कि ये डीडीसी इलेक्शन क्या है। मैं आपको सही बात बताऊं, लेकिन हमने फिर भी जो है हमारी हाई कमांड ने, जिनको समझ नहीं आई वो आज भी फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हमारी हाई कमांड ने उसको तुरंत जो है समझने की कोशिश की और बड़े टाइम के ऊपर एक बड़ा बेहतरीन डिसीजन लिया और हमें जो है संदेश दिया कि हमें जो है अपनी जो है पार्टी का जनादार बढ़ाते हुए हमें इलेक्शन कंटेस्ट करनी है। आप ये मत समझे कि आज हमारा कोई जलसा है। जब हमारा कोई जलसा होता है तो आप YouTube में ये समझते हैं दूसरी पार्टी वालों के बड़े बड़े जलसे होते हैं, तो कहीं भी YouTube में आप सर्च कर लेना चौधरी लाल सिंह को एक सब्सक्राइब करना, वहां पर पता चलेगा कि जो लोग बोलते हैं हम रैली निकालेंगे फिर बोलते हैं रैला निकालेंगे, आप वो जलसा देखना जो हमने सबने वो दौड़ लगाकर जलसा किया था उसको रैला नहीं बोलते हैं। तो इसलिए अब ये मत समझना कि हमारी पार्टी की उम्र कम है। आपको मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं, तो एक बच्चा होता है अगर वो मेहनत करता है तो 21 साल की उम्र में आईएएस कर जाता है, और एक ऐसा बंदा होता है वो पूरी उम्र पढ़ता रहे मरते दम तक। इसलिए हमें वो मेहनत करने का आदेश है और हमारी पार्टी वो मेहनत कर रही है, हमें बस इतनी मेहनत करनी है कि चंद दिनों में चंद महीनों में हमें अपनी पार्टी को आईएएस जैसे कैडर है इससे भी एक मजबूत पार्टी बनाना। और इससे पहले कि आगे कार्यक्रम की हम शुरुआत करें कि उधमपुर में हम ऑलरेडी इलेक्शन का आगाज कर चुके हैं और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद चौधरी साहब पहली बार जहां पर आए हैं, हम चाहेंगे कि हमें माता रानी अल्लाह ताला वाहेगुरु इतनी कृपा करें कि हमारी उधमपुर में सभी सीटों पर विजय हो। और सुनिश्चित करने को लेकर आज सबसे पहले हम सभी, मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि दीप प्रज्वलित करके हम जो है एक मजबूती का संदेश दें, एक कामयाबी का संदेश। देखो
डोगरे इनके दबाने से दबते नहीं, डोगरे कभी नहीं दबे ना दबे, कोई फिक्र की बात नहीं। ये दबाएं हम ज्यादा, न्यूट्रन का थर्ड ला आएगा, जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। इसके बाद ही सर एजेंडा आपके सामने, हमने कहा हमें सेपरेट जमीन चाहिए, स्टेट सेपरेट राज्य चाहिए, वेरी क्लियर। जो इन्होंने खुद कहा था कि हम लोग ट्राइफिकेशन करेंगे, क्यों नहीं की भाई? क्वेश्चन है मेरा और आपको सब, आप भी करते रहते होंगे, ट्राइफिकेशन क्यों नहीं की? तीन हिस्से स्टेट के कर रहे थे, हमें कश्मीर के साथ पहले भी थे और आपने हमें सब लोगों को इस्तेमाल किया, सीट्स ली, उसमें यह कहा कि हम जम्मू को अलग करके उनके बेनिफिट को देखेंगे, उनको फायदे को देखेंगे। आज कौन सी बात हो गई कि आप कितने मजबूर हो गए कि आज आपने सुनिए, जहां फसल हमारी नहीं बिखरी और आप नोट करोगे कश्मीर का सेब गवर्नमेंट खरीद रही है, पता आपको, पता करिए आप जैसे पोजीशन हमारे साथ जहां तक जाती है नौकरियों में हर जगह पे, लेकिन जम्मू स्टेट अलग राज्य हमें किसी से नहीं, कश्मीर फले फूले लेकिन जम्मू को बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार की बात करूंगा, जहां पर भाजपा का फैक्शन पूरी 14 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और डोगरा स्वाभिमान संगठन इसको किस तरह से, आप फ्यूल में कमांड नहीं करते और फ्यूल की बातों में भरोसा नहीं करते सर। जो लोगों को सूट करेगा, अभी तक हमारा लोगों में इतना जितना जितनी स्पीड से जाना चाहिए मैसेज वो आपके जरिए जाए, और जितना आप फैलाओगे उतनी सीट हमारी आएगी, जितना आप कम फैलाओगे उतनी सीट हमारी कम आएगी। क्यों? कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता, मैंने पूछा गांव में गया था, वो कह रहे हमें पानी नहीं है, मैंने कहा पानी आपकी जमीन गवर्नमेंट है, लैंड है, देहात है, मैं कहा वो चली गई, चावल नहीं होंगे पानी क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं गांव में देख रहा हूँ कि लोगों को पता तक नहीं है कि हमारे ऊपर कानून कायदे बन चुके हैं और ये चीजें जब तक फैलाई नहीं, मुझे बताओ रीच क्या है आपकी, क्या रीच रहनी है, कहाँ रीच इनकी? और जो टेलीविजन गांव गांव लगे हैं वो प्रचार क्या कर, लोग तो आके पहले भी नहीं देखेंगे ना, वही चैनल देखेंगे ना। हाँ, सोशल मीडिया वो इस समय इनको टक्कर दे रहा है सबको, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ नेटवर्क नहीं होता तो वो वही भी रह जाता है। चौधरी साहब डीडीसी इलेक्शन के जम्मू कश्मीर की जननीत में है या नहीं? जम्मू कश्मीर के जो डीडीसी इलेक्शन है, जो जम्मू कश्मीर में एक मैसेज देने के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं सर। रोशनी एक्ट के तहत जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे कि कांग्रेस पीडी की नैंका पर हाथ डाल रही है, क्या कारण है कि भाजपा के मगरमच्छ पर हाथ क्यों डाला जा रहा है? देखो, रही बात रोशनी एक स्कीम है और एक्ट है, इट इज ए लॉ और किसी कानून के तहत, और ये था बेसिकली जो गरीब लोग जिनके पास सरकारी जमीन है उन लोगों को उस जमीन का मालिक ना होते, क्योंकि उनके पास गिरदावरी थी उसमें नजायज काबिज लिखा होता, लेकिन एक पॉलिसी बनी जैसे एक प्राइवेट आदमी की लैंड टू द टिलर वो दी गई, एक किसान को जो हल चलाने वाला है उसको एक जमींदार की बिग लैंडेड अवारिश एक्ट बना और उसके बाद ये जमीनें उनको बांटी गई। उसी तरीके से गवर्नमेंट लैंड जो लोगों से छूटी थी, ये लैंड लोगों की है, सरकारी जमीन सरकार थोड़ी पैदा करती है, ये लोगों उस गांव की होती है जिस गांव में जमीन होती है, तो लोगों ने वो जमीन और सरकार के आगे कैसे करी और ये स्कीम बनी, एक्ट बना, लेकिन उसमें अगर चंद लोग गलत आ गए तो उसको ठीक किया जा सकता है। सारी स्कीम को, सारे किसानों को, गरीब लोगों को आप कुछ नहीं सकते। लेकिन लोगों को यहाँ पे नोटिस दिए सर, लोगों को यहाँ पे नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको इस वक्त जो एग्रीकल्चर करते थे उनको वहाँ पे खेती भी नहीं करने दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं लोगों को कहूंगा अपनी खेती भी करो और लाठी भी उठाओ, ये रोज कहते हैं हम लोगों को लाठी से मार देंगे, ऐसे कर देंगे, रोज लोगों पे प्रेशराइज करते हैं, लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ जिस जिसको तकलीफ है सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, ईमानदारी से हूँ, मेरी पूरा डोगरा स्वाभिमान संगठन, ये नौजवान बच्चे नए नए सारे उनके खड़े हुए हैं, वो इसलिए खड़े नहीं हुए हैं, दे नो कि उनको कितनी तकलीफ है और कितनी परेशानी है, उसको ठीक करने के लिए मैं कहता हूँ नोटिस, सरकार ने नोटिस थोड़े दिनों से, जब लोगों को अभी सरकार को पता नहीं था
उनको शायद यही डाली था कि शायद ये चंद लोग जिसके पास चार ग्रांट भी है, जैसे फरुखदुल्ला साहब का नाम लिया कि इसके पास सात ग्रांट भी है, तीन इसे खरीदी है, चार इसकी वो कह रहे सरकारी है। इन्होंने सोचा कि सारे लोगों के पास चार चार ग्रांट भी है। सरकारी जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड जिसे गुजारा करते हैं, वो जमीन उन लोगों के पास ही रहनी चाहिए और उन लोगों से नहीं छूटनी चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। बिना किसी नोटिस के लोगों की दुकानें, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? और अधिकारी को जब सवाल पूछा जाता है, अधिकारी कहते हैं हमें ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर लिखित रूप में नहीं। यही तो झूठी है भाई साहब, इसी को तो झूठी बोलते हैं। आपकी जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और जो डायरेक्शन उनको मिल रही है लोगों को तबाह और बर्बाद करने की, अभी यहाँ गरीब लोगों की अभी थोड़े दिन पहले कल परसों तोड़फोड़ की गई, आई नो बेटर, ये हर जगह तोड़फोड़ हो रही है। ये तोड़फोड़ नहीं है, ये जायती है, जुलम है। हाँ, अगर किसी जगह पे लोगों को नुकसान होता है उसकी बात की जा सकती है। सर, कोरोना